हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गुजरात हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने सिविल जज 2023 के लिए सिविल जज के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट का नाम, वैकेंसी, एज क्या क्या होगा, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशंस वगैरह, सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोस्ट का नाम है सिविल जज। सिविल जज के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी इसकी 193 है। तो इसका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल जो भी हैं उनके लिए 35 ईयर्स है, और 38 ईयर्स है फॉर एससी, एसटी, एसईबीसी, पीएच एंड एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनके लिए 38 ईयर्स है। और इनके पे स्केल की बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात सिविल जज पे स्केल आपका 77,840 से लेके 136,520 तक इसमें आपका पे स्केल होता है, ओके। और इसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री, आपकी लॉ डिग्री होनी चाहिए, और आपका प्रैक्टिस भी आपको होना चाहिए सिविल और क्रिमिनल जोन में, आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और जो भी हैं एकेडमिक ईयर 2009-10 के या फिर उनके ऊपर के, वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन का, कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और हाई कोर्ट गुजरात का जो सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, एलिमिनेशन टेस्ट, फर्स्ट पहले ये टेस्ट होगा, उसके इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, जो भी कैंडिडेट, उनका फिर मेन रिटेन एग्ज़ाम होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा टेस्ट, ऑब्जेक्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके बाद आपका ओरल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसका एलिमिनेशन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का इसका आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs आपका पूछा जाएगा जो 1 मार्क का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी इच रॉन्ग पे, मतलब एक रॉन्ग अगर आपने आंसर दिया तो उसमें 0.003 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश ओनली होगा बेस्ड, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा, और इवेल्युएटेड बाय द कंप्यूटर एज पर इंटायर मोड ऑन OMR सीट, ओके। और इसका जो एप्लीकेशन फी है वो 1,000 रुपीज है, 1,000 रुपीज बैंक चार्ज लिया जाएगा फॉर जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स, जितने भी जनरल और OBC कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 1,000 रुपीज़ है। और लेकिन जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए ओनली 500 चार्ज रखा गया है। और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज, इनके लिए भी 500 ही चार्ज रखा गया है। तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात पोर्टल पे जाके, OJAS पोर्टल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये scojas.gujarat.gov.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको साथ में अपनी पर्सनल डिटेल्स भी वहाँ पे ऐड करनी होगी, कम्युनिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी, एजुकेशनल जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो लास्ट डेट है वो
14 अप्रैल तक है, 14 अप्रैल 2023 तक इसका एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने दे दी है इसमें। और भी जॉब अपडेट आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।